नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन बीएसपी एमएलए मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल के तन्हाई सेल में तारे गिन रहा है। तारे गिनने से मतलब रात में अकेले में छटपटाता है, टहलता है, बात करने वाला भी कोई नहीं है। बांदा जेल में अलग निगरानी हो रही है और लखनऊ से अलग निगरानी हो रही है। लेकिन इस दौरान सबसे ज़्यादा जो चर्चे में है उसकी तस्वीर और वीडियो, वो है अपने पैरों पे चलते हुए कि आखिरकार जो मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में व्हीलचेयर पर दिखा था वहाँ से जाते हुए कोर्ट में, वो मुख्तार अंसारी अचानक चलने कैसे लगा, क्या हुआ था उस दिन, कैसे भांडा फूटा था उस दिन। दरअसल हुआ ये था कि जब वो रूपनगर जेल से चला था तो रास्ते में पुलिसकर्मी जैसे उसे लाते गए, वो चलता गया, रास्ते में खाना पानी दिया गया था लेकिन उसने पानी पीने से इनकार कर दिया था। उसे डर लग रहा था कहीं इसमें जहर ना मिला हो, लेकिन जो नेचुरल कॉल होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा जब उसे टॉयलेट जाने की तलब लगी तो उसने रास्ते में पुलिसकर्मियों से रिक्वेस्ट की कि वो जाना चाहता है। तो फिर ये था कि क्या खुले मैदान में गाड़ी रोक दी जाए, इसके लिए पुलिसकर्मी तैयार नहीं हुए। फिर ये पता चला कि कानपुर देहात से वो गुजर रहे हैं और सट्टी थाना बगल में है, तो सट्टी थाने ले जाया गया था और फिर उसे टॉयलेट जाने के लिए कहा गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो उतरते समय और चलते समय बिल्कुल स्वस्थ नज़र आया, बिल्कुल मतलब तेज़ी से भी चल रहा था, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वहीं पे पुलिसकर्मियों ने उसका फ़ोटो ले लिया और जो है वीडियो भी बताते हैं कि बना लिया था उसी में से किसी ने, और फिर जो है वो वायरल हो गया। अब इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या मोहाली कोर्ट में जो व्हील चेयर पे वो दिखा था वो सब पहले से प्री प्लान के तहत था और वो इस जानबूझकर के ये सब किया गया था ताकि पंजाब सरकार और मिलीभगत करके सुप्रीम कोर्ट को ये बता सके कि नौ नौ बीमारियों से वो ग्रसित है, वो चल फिर भी नहीं सकता, इसको कैसे वहाँ पे भेजा जाए, इसे इलाज की ज़रूरत है। तो एक नहीं दो तीन भांडे इस दौरान फूटे हैं। एक एम्बुलेंस का जो विवाद हुआ उसमें सब कुछ साफ हुआ कि किस तरीके से पंजाब सरकार जेल अथॉरिटी की मिलीभगत से वो एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था जो कि यूपी में रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें यूपी के अथॉरिटी भी सवालों के घेरे में है। दूसरा विवाद उसका यह आया कि व्हील चेयर पर दिखा लेकिन सट्टी थाने में जो है वो अपने पैरों पे चलता हुआ दिखा, दौड़ता दिखा, तेज चलता हुआ दिखा, यदि दौड़ना नहीं कह सकते तो। और अब जो है वहाँ पे जा करके वो सेल में कैसे टहल रहा है, जो व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता व्हील चेयर पे चल रहा है वो कैसे अपने सेल में चल रहा है, कैसे अपने सारी ज़रूरतें सारा काम कर रहा है, यानी कि एकदम बातें स्पष्ट है कि मुख्तार अंसारी स्वस्थ है। छोटी मोटी बीमारियां होंगी, रक्तचाप की बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, मानी जा सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि वो चल फिर ना सके या उसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। तो भांडा तो फूटना ही था, सो भांडा फूट गया। अब ये देखते हैं कि यूपी सरकार कितनी जल्दी स्पीडी ट्रायल करा करके उसे उसके अंजाम तक पहुंचाती है, क्योंकि उसके खिलाफ 52 मामले हैं जिसमें से 15 मामले गंभीर प्रकृति के हैं, और जितनी जल्दी यूपी सरकार सजा दिला लेगी वही उसकी सफलता होगी, अदरवाइज माना जाएगा कि जो है सिर्फ ये सियासत के तहत हो रहा था। यूपी पुलिस और यूपी सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर, इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।